दोस्तों आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे, दिखाएंगे आपको 12x जूम कैमरा लेंस जिसको मैंने परचेस किया है अभी फ्लिपकार्ट से दोस्तों, जो कि मैं 2-3 दिन पहले मैंने इसको बुक किया था और आज जाके डिलीवर हुआ है। दोस्तों दिखा दूँ आपको कि कैसा पैकिंग है ये। देखिए ये मेरा कैमरा लेंस दोस्तों इसमें आ चुका है और ये फ्लिपकार्ट से मैंने परचेस किया है, अभी ये मतलब कि ओपन नहीं हुआ है। दोस्तों मैं आप लोगों के ये सामने इसको ओपन करूँगा और दिखाऊँगा कि इसमें क्या है और ये कैसा है और किसका क्वालिटी भी चेक करके दिखाऊँगा मैं आपको। तो शुरू करते हैं वीडियो और उसको ओपन करते हैं। उससे पहले दोस्तों नमस्कार, दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अजय गिरी और आप देख रहे हैं यूटेक बाबू टेक्निकल। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही क्वालिटी बेस्ड और सही जानकारी वाले वीडियो लेकर आता हूँ। तो दोस्तों करते हैं वीडियो और रिव्यू करते हैं अनटस कंपनी का 12x जूम का न्यू कैमरा लेंस का, जो कि इसकी क्वालिटी भी चेक करेंगे और इसको हम दिखाएंगे इसके अंदर क्या। इसको हम ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारा इनवॉइस जो है कि सामने आ चुका है। सो ये हमारा इनवॉइस है, इस पर हमारे कैमरा से प्रोडक्ट से संबंधित डिटेल लिखा हुआ है। दोस्तों आप दिखा दूं मैं आपकी इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों आप इसमें साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों मैं इसको ओपन कर लिया है। दोस्तों इसमें है इनवॉइस मिला हुआ है जो कि हमारा ये प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है इसमें। दोस्तों आप इसको देख सकते हैं ध्यान से। दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम अब बॉक्स को खोलेंगे, यानी कि जो कवर हमारा जो पैकिंग है उसको खोलेंगे। देखो दोस्तों इसमें क्या लिखा क्या है मिला हुआ है हमको। दोस्तों ने इसको ओपन कर लिया। दोस्तों पैकिंग तो बहुत ही अच्छा है, ये फ्लिपकार्ट से मिला हुआ है। दोस्तों अब देखिए दोस्तों ये मेरा कैमरा, इसका इस पर फ़ोटो बना हुआ है। दोस्तों अब दिखाते हैं इसको खोल कर इसमें कैमरे मतलब कि कैमरा कैसा है और उसकी क्वालिटी भी चेक करके दिखाएंगे दोस्तों आपको। इसको ओपन कर रहे हैं उसको मैंने दोस्तों ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हमें एक देखने को मिल रहा है जो कि कॉटन है, जो कि इस कैमरे लेंस को साफ़ करने के लिए काम आता है। दोस्तों ये हमें मिला है इसके अंदर। इससे दोस्तों आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। दोस्तों इसके अंदर हमारा जो है कि मेन प्रोडक्ट है, यानी कि जो कैमरा हमने मंगाया है, कैमरा का जो लेंस मंगाया है दोस्तों वो इसके अंदर है। तो आप देख सकते हैं कि ये कैमरा लेंस का जो है कि प्रोडक्ट है। अब दोस्तों ये इस पर एक लेंस कवर करने के लिए दोस्तों एक ढक्कन यानी कि एक कवर पैकिंग लगाया गया है। दोस्तों ये हमारा है टेलीफोटो कंपनी जो है टेलीफोटो लेंस है 12x जूम का। अब दोस्तों इसके अलावा दोस्तों हमें क्या मिला है इसके अंदर, दोस्तों एक मोबाइल होल्डर लगा है मिला है जो कि हमारे मोबाइल पर कवर करेगा, यानी कि इसमें हमको लगाने के बाद इसे मोबाइल पर लगा देना है ताकि हमारा जो मोबाइल इसमें मतलब कि अटैच हो जाएगा, मतलब कि हमारे जो मोबाइल का होल्डर है ये इस पर दोस्तों हमें लगाना होगा इस पर ऐसे। दोस्तों ये लगता है। दोस्तों ये जो इस बीच में दिया हुआ है इससे क्या है कि हमारा जो कैमरा है उसको हम जूम इन इस मोबाइल होल्डर को दोस्तों हम लगाते हैं अपने कैमरा पे और दोस्तों देखते हैं कि कैमरे की क्वालिटी कैसी है। दोस्तों यहाँ पर हमने इसको अटैच किया है। दोस्तों अगर ध्यान देखिएगा, अगर आप अगर कभी भी इसको लगाएंगे तो हमेशा सेंटर में होना चाहिए, अदरवाइज़ जो है कि आपका जो कैमरा जो है सही से वर्क नहीं करेगा, यानी कैमरा लेंस आपका जो है सही से वर्क नहीं करेगा। दोस्तों ये देखना है कि इसका क्वालिटी कैसा है, तो दोस्तों इसको हम अटैच करते हैं इसके ऊपर। दोस्तों हमने कैमरा को कर दिया है अटैच अपने मोबाइल से, कैमरा लेंस को कर दिया है अटैच अपने मोबाइल से। दोस्तों अब देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। दोस्तों सबसे पहले हम क्लिक करेंगे कैमरा पे और देखते हैं दोस्तों कि हमारा जो है कैमरा कैसा वर्क कर रहा है। दोस्तों हमारा सही से इस पर वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि अभी हमने इस पर दोस्तों देख ध्यान से देख सकते हैं हमने इसको सही से लगाया नहीं है। तो जब सही से लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा जो है कि कैमरा साफ दिखने लगेगा। सो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर ये साफ़ दिख रहा है। सो यहाँ से जो सो आप जो पीछे दिख रहा है टेलीफोटो लेंस 12x जूम का दिखा रहा है दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों हमें ये क्या है कि हमारे इसको एडजस्टमेंट करने के लिए है कि हम इसको कि इसको जूम कितना कर सकते हैं और जूम आउट और जूम इन करने के लिए है। दोस्तों हम इसको जूम इन करेंगे तो दोस्तों ये देखिए आप हमारा जो है कि ये प्रोडक्ट कैसा है, इसको दिखा रहे हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। दोस्तों अगर हम इस पर रख के इसको अटैच करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये
पहली बात दोस्तों कि इस पे सही से अटैचमेंट भी नहीं होता है ये, क्योंकि इसका जो है मोबाइल होल्डर जो है बहुत छोटा है। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा बाहर जाके आउटडोर में कि कैसे ये अटैच होगा, कैसे ये वर्क करेगा। दोस्तों बने रहिए वीडियो पे, चलते हैं बाहर, आपको दिखाते हैं इसको अटैच करके कि बाहर ये कितना अच्छा वर्क करता है कि नहीं करता है, इसका मतलब कि ये यूज़फुल है या अनयूज़फुल है, इसके बारे में डिटेल से बता रहा हूँ मैं बाहर आपको। ठीक है दोस्तों, अब दिखाते हैं आपको इस कैमरे की क्वालिटी के बारे में कि जो कैमरा लेंस है इसकी क्वालिटी कैसी है। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको आप दिखाते हैं कि नॉर्मल जो है हमारा कैमरा जो है कितना जूम करता है, ये देख लीजिए आप। उसके बाद दोस्तों आपको दिखाते हैं कि ये जो है हमारा जो कैमरा लेंस है इसको कैसे फिट करना है इसके ऊपर। दोस्तों हमें कैमरा लेंस जो है इस पर बिल्कुल सेंटर में इसको लगाना होता है। उसके बाद दोस्तों आपको दिखा रहा हूँ कि इसका जो जूम क्वालिटी है वो कैसा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका जूम क्वालिटी कैसा है, देखिए इसको दोस्तों। यहाँ पीछे जो ये टेलीफोटो लिखा हुआ दोस्तों लेंस, यहाँ पर इसको मैं इसको घुमाना होता है जिससे दोस्तों कि ये सही से वर्क करे। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इसको घुमाऊंगा। दोस्तों कैमरा को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में समय लग सकता है दोस्तों। दोस्तों आप देखते रहिए मैं इसको एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही आसानी से नहीं होता है एडजस्टमेंट, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगता है। और जब एडजस्टमेंट होता है दोस्तों आप देख रहे हैं कि जूम इसको हमेशा सेट करना होता है बार बार इसका, क्योंकि इसका जो क्लिप है दोस्तों वो बहुत छोटा है, यानी कि मोबाइल का जो क्लिप होल्डर है, कैमरा लेंस का होल्डर है दोस्तों वो बहुत ही छोटा है, इसलिए प्रॉपर जो है कि इसको वर्क नहीं कर रहा है। दोस्तों इसमें आपको दिखाऊंगा मैं आगे कि कैसे ये मतलब वर्क करता है कि नहीं करता है, और दोस्तों बताऊंगा ये भी मैं आपको कि अगर ये अच्छा है या बुरा है, या आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। दोस्तों आप देखिए दोस्तों मैं जूम कर रहा हूँ तो मेरा जो है कि यहाँ तक दोस्तों आप देख सकते हैं कि साफ क्लियर दिख रहा है, लेकिन पीछे ब्लर दिख रहा है, यानी कि सही से एडजस्टमेंट भी नहीं हो पा रहा दोस्तों ये। और देखिए आप ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 1 किलोमीटर का एरिया है जिसको मैं मतलब कि जूम आउट कर रहा हूँ या जूम कर रहा हूँ, लेकिन जो है क्लियर ये साफ नहीं दिख रहा है। तो मेरे साथ दोस्तों मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि अगर आप लोग पैसा लगा रहे हैं तो कुछ अच्छा प्रोडक्ट लीजिए, इससे अच्छा प्रोडक्ट लीजिए, मगर इस प्रोडक्ट को ना ख़रीदें, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है कि यूज़फुल ना होकर ये अनयूज़फुल है। और इसके अलावा दोस्तों आप इसी प्राइस में लगभग ये 523 रुपये का पड़ा है मेरे को, और इसी के रेंज में आप दोस्तों दूसरी कंपनी का भी इससे अच्छा प्रोडक्ट ले सकते हैं। और अगर नॉर्मली आपको फ़ोटोशूट करना है, नॉर्मली आपको यूज़ करना है, तो आप इससे परचेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अच्छे प्रोडक्ट के पीछे जाइए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना।